नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टेट क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में भी JCNM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, विदेशी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से JCNM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो JCNM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं या वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट में न्यू हियरिंग डेट आपको मिल सकती है। साथ ही साथ हमारे जो भी संविदा NM बहने हैं जो आज काम पर नहीं जाके धरना प्रसंग पर जा रही है, क्यों जा रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बात बताने वाले हैं, जो पिछले 15 दिनों से हमारे सुरजीत सर जो भी काम किए हैं केस के रिगार्डिंग, काउंसलिंग को रिगार्डिंग, वो भी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि कल संडे को हमारे ग्रेट लीडर सुरजीत सर लाइव आने वाले हैं, तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों पहले भी हम आपको कई दफ़ा बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, शनिवार के शनिवार सभी केस चलता, नया पुराना सभी केस शनिवार को शनिवार ही चलता। तो आज शनिवार है, पिछले शनिवार को केस नहीं चल रहा था क्योंकि न्यू हियरिंग डेट मिला था 27 जून को। 27 जून को सुनवाई नहीं हुई, 27 जून को बहस नहीं हुई क्योंकि CVT क्वालिफाइड के जो भी लीडर हैं इन लोगों के द्वारा डेट आगे बढ़ा लिया गया और अभी तक न्यू हियरिंग डेट नहीं मिली, क्योंकि पिछला सप्ताह शनिवार को न्यू हियरिंग डेट नहीं मिली थी और आज चांस है आज न्यू हियरिंग डेट मिल सकती है। इसलिए आज चांस है क्योंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रही है और आज आपका 6 जुलाई हो चुकी है, मंडे को सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए आज आपको न्यू हियरिंग डेट मिल सकती है। शाम तक हम आपको अपडेट बता देंगे जो न्यू हियरिंग डेट मिली है या नहीं मिली है, मिली है तो कब सुनवाई है, ठीक है। ये बात आपको हो गई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आज से हमारी सभी संविदा NM बने काम पे नहीं जाके, ड्यूटी पे नहीं जाके धरना प्रदर्शन करने जा रही है। क्यों जा रही है, इस पर हम आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुके हैं और आप लोग देखे भी है। जो फेस अटेंडेंस लागू कर दिया है, समान काम समान वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो इसीलिए सभी अपनी मांगों को लेकर समान काम समान वेतन के लिए और नियमित करने के लिए और फेस अटेंडेंस हटाने के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार मनमानी कर रही है और खासकर ही NM बहनों पर ही क्यों मनमानी किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे स्टाफ हैं, सभी स्टाफ पर लगाना चाहिए, सिर्फ ओनली फॉर संविदा NM बहने पर क्यों लगाया गया। इसीलिए इसी के विरोध के लिए हमारी NM बहन आज ड्यूटी पर नहीं जाके धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और कल भी हमारी NM बहन धरना प्रदर्शन की है, उसका भी हम आपको वीडियो बना के दे दिया, आप लोग देखिए भी है, क्योंकि सबको पता है जो पूरे बिहार में 32,127 NM बहनों से लेके संविदा NM बहनों को पप्पू सर ही सपोर्ट करते हैं, पप्पू भाई सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सभी लोग देख भी रहे हैं और सभी वो लोग भी जान भी रहे हैं। इसीलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे संविदा NM बहने हैं और जो भी जा रहे हैं धरना प्रदर्शन पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है अपनी मांगों को सही से रखना है, कहीं तोड़ फोड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सही से अपनी मांगों को आपको रखना है, ठीक है, ताकि सरकार माने, क्योंकि तोड़ फोड़ कीजिएगा, हर चीज़ कीजिएगा तो नुकसानदेह आपके साथ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना है, ठीक है। जैसे कल शांतिपूर्वक ढंग से हमारी NM बहन अपनी बातों सरकार को समक्ष रखी, ऐसे ही आप लोग अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो पिछले 15 से 20 दिन से हमारे सुरजीत सर केस के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी काम किए हैं, जो भी वर्क किए हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव, BTC आयोग के सचिव, सभी से मिले हैं, लेटर जो रिसीव हुआ है, हर चीज हुआ है, जो सहमति बनी है काउंसलिंग के लिए, तो उस पर क्या बातचीत हो रही है, सरकार कब अमल कर रही है, सरकार BTC आयोग को कब आदेश दे रही है जो नोटिस जारी करने के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में जो है कितने वकील साहब को रखा गया है, कितना उनको पेमेंट दिया गया है, हर चीज दिया गया, केस कहाँ तक पहुँचा है,
ठीक है, हर एक जानकारी कल सुरजी सर इसी चैनल पे 12 बजे लाइव आके आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कल संडे का दिन है, सबको पता है, इसलिए सभी लोग कल 12 बजे लाइव आना नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि केस से रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड हर एक जानकारी हमारे ग्रेट लीडर सुरजीत सर देने वाले हैं। क्योंकि ओनली फॉर हम, आपको भी पता है हमारे सुरजीत सर ही लड़ाई लड़ रहे हैं इस केस में, सिंगल बेंच से लेके डबल बेंच से लेके आज सुप्रीम कोर्ट तक। तो वो हमारे सर लाइव आके आपको हर एक जानकारी बताने वाले थे। जो भी स्टूडेंट के मन में, जो भी एनएम सिस्टर के मन में, जो भी एनएम बने के मन में जो सवाल चल रही है, सर केस कहाँ तक पहुंची, सर काउंसलिंग के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सर कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, हर एक जानकारी आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना। चलिए अब क्लास से रिलेटिव थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पहले भी हम आपको बता दिए हैं और अभी भी स्टूडेंट के द्वारा बार बार कॉल किया जा रहा है, जो सर 15,089 एनएम की वैकेंसी आ रही है, सर कब वैकेंसी आएगी, और टोटल 45,000 पदों पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है, सर इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रही है, और एक साइड जो है 13,000 पदों पर जो एनएचएम के तहत वैकेंसी आ रही है, सर ये वैकेंसी कब आ रही है। तो पहले बता दिए जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा चुका है, बहुत जल्द आपको जुलाई महीने में ही ये सब वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। देखिए वैकेंसी आने के बारे में नहीं सोचिए, अब तैयारी करने के बारे में सोचिए, क्योंकि तैयारी करने के बारे में नहीं सोचिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे जाके। क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको पता है जो जो भी स्वास्थ्य विभाग में जो है वैकेंसी आ रही है, सब में एग्जाम लगा दिया गया, तो पढ़िएगा तभी तो एग्जाम लगाइए, एग्जाम लगा दिया गया तो पढ़िएगा तब तो एग्जाम लगा पाइएगा, मतलब एग्जाम आप फेस कर पाइएगा, एग्जाम में टिक लगा पाइएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। उसके लिए हम अपना स्कैनर लगा दिए हैं, उसके बाद देख लीजिए मेरा नंबर लग चुका है, 399 रुपया आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से 399 रुपये आपको कटवाना है, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो नंबर ग्रुप में ऐड करना चाहेंगे उसी नंबर से आप मेरे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और 15 जुलाई से धुआंधार बैच स्टार्ट हो रही है, अब एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगी, और लगातार आपको ये क्लास चलने वाली है, पूरे सिलेबस आपको 399 में पढ़ाने वाले हैं। इसलिए फटाफट सभी स्टूडेंट बैच परचेज कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और भी जानकारी है जो हम आपको नहीं बता पाए हैं, तो 12 बजे लाइव आएंगे उसमें हम आपको जानकारी बता पाएंगे, इसलिए 12 बजे लाइव आना आप लोग नहीं भूलेंगे। थैंक यू।